नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। चित्रकूट रोड स्थित अवैध प्लाटिंग पर नियम विरुद्ध निर्माण फिर शुरू। चित्रकूट रोड स्थित चर्चित प्लाटिंग में एक बार भूमाफियाओं द्वारा नियम विरुद्ध निर्माण शुरू कर दिया गया है। जानकारों की माने तो पिछले दो महीने से एक प्लाटिंग में कई घरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया गया कि नगर निगम से निर्माण करने की अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में राजस्व अधिकारियों का कहना है कि राजस्व विभाग से निर्माण के संबंध में कोई अनुमति नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मामले में किसकी अनुमति से भूमाफियाओं द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। पूर्व में जिला प्रशासन ने माना था अवैध। गौरतलब है कि चित्रकूट रोड स्थित उक्त प्लाटिंग को जिला प्रशासन अवैध मानते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन भूमाफियाओं का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि अब जिला प्रशासन द्वारा अवैध माना गया था तो फिर दोबारा निर्माण पर चुप्पी क्यों साधी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुखिया द्वारा कहा गया था कि अवैध कॉलोनियां अवैध मानी जाएंगी, लेकिन शासन ने निर्देश उन कॉलोनियों के लिए था जो बनकर डेवलप हो चुकी है, ना कि उन कॉलोनियों को जिनके निर्माण शुरू ही नहीं हुए। ऐसे में कॉलोनाइजरों द्वारा अगर नियम के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो यह निर्माण अवैध माना जाएगा। धन्यवाद। सतना स्टार विंध के सभी क्षेत्रों में संवाददाता और ब्यूरो चीफ नियुक्त करने जा रहा है। यदि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो यह मौका आपके लिए है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना के लोग हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।